ओ भीष्मपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नाम नामस्ते सरस्वती चारिण निर्विशेष शून्यवाति पर्षतारि जय श्रीकृष्णा सेतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री गदाधर श्रीवाषादिगौर्भक्तवृन्द जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्री अद्वैतागदाधर श्रीवासादिगौर्भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Rama, हरे rama, rama rama, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Rama, हरे Rama, 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्री जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गमी नयन पथगामी भगवती जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गमी नयन पथगामी भगवती जय जय प्रभु पा प्रभु पा जय जय प्रभुपा जया जाया प्रभु जय जय गुरुदेव 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 জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব ইউর হরি 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 গৌর হরি হরি বোল হরি বলো হরিণাম সংকীর্ন কি शिल प्रभु पाद की गौर प्रेमानंद जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवा भ गिरिवा धारि जय गोपीजनवा भ गिरिवाधारि यशोदनन्दन ब्रज जनर यशोदनन्दन ब्रज जनर यमुना तेरावन वनचारी यमुना तेरावन वनचारी जय राधा माधव कुंजारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजनवालाभ कि किववरधारि जय गोपीजनवा भ क्रिवरधारी यशोदनन्दन व्रजगनरा यशोदनन्दन व्रजगनरा यमुना यमुुनातीरावनारी यमुुनातिरावनचारी जय राधा माधव कूजविहारी जय राधा माधव कूजविहारि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु त्यम् भागवतो भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में तो हम अध्याय पांच में हैं श्लोक संख्या तीन से हम चर्चा शुरू करेंगे तो पहले हम श्लोका और उसका अनुवाद पढ़ेंगे उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या, अध्याय पांच श्लोक संख्या दो भगवान उवाच संस कर्मयोगेयस्कुभ तयस्तु कर्म संस कर्मयोग विशिष्य श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है श्लोक संख्या तीन जेयित यो न द्वेष्टि न का निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहु अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है श्लोक संख्या चार सांख्य योग प्रवदन्ति न पंडिता सम्यग् आस्थित सम्योरविंदते फलम् अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भातु अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है श्लोक संख्या पांच ये स्थान तद च यह पश्यति जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है श्लोक संख्या छाबाह मुनि ब्रह्म न चिरेनाधिगते गति भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है श्लोक संख्या तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर न जो भक्ति भाव से कर्म करता है जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदता नित करो मि युक्त मन तत्व भी पश्यन श्रीनुमन स्पृसिघ्रन अस्न अस्न गच्छन स्वपन स्वसन प्रल्पन विस्तृजन गृहन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोचते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी, भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है श्लोक संख्या दस ब्रह्मणी आधाय कर्माणी संगम त्यक्त करोती है लिप्य तेना पद्म पत्र भस जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है श्लोक संख्या ग्यारह काय न मन साबुद्धया केवल इंद्रियरपी योगिना कर्म कुरी संगम तत्वात्म शुद्ध योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं श्लोक संख्या बारह युक्त कर्म फल त्यक्त शांति मापनोति नयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है श्लोक संख्या तेरा सर्व कर्माणी मनसा संस्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे कुर्वन्न कुरयन जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरोन मिलितम येन तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहित कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्ता नमा विष्णुपाय कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामे नीतिना नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुदेदे संभ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअ्वैत श्रीवासादि वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है भगवत गीता क्लास में तो हम अध्याय पांच का में है श्लोक संख्या तीन पर हम चर्चा करेंगे उसके पहले हम देखेंगे कि श्लोक संख्या दो में हमने क्या चर्चा किया है श्लोक संख्या दो में हमने देखा कि जो है श्री भगवान उच्स कर्मयोग निःह श्रेयस्कुभ तयस्तु कर्म संसा कर्म, कर्म योग्य श्री भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ तो भगवान भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन अगर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले जाते हो और तपस्या करते हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है और अगर तुम यही रहकर कर्म करते हो और फल से आशक्ति निकाल देते हो तो भी मुक्ति मिलती है लेकिन भगवान कहते हैं मुक्ति तो दोनों से मिलती है लेकिन कर्म करके फल से आशक्ति हटाकर आप जो सन्यास लोगे अपने फल से संन्यास लोगे वह श्रेष्ठ तो वह तो हम गृहस्थ में भी रहकर कर सकते हैं हम जहां पर भी हैं वहां कर्म योग करके मुक्ति को पास सकते हैं तो भगवान यहां बता रहे हैं कि दोनों मुक्ति देते हैं इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के आप जंगल में ही जाइए आप यहीं पर अपना कर्म कीजिए और फल से आशक्ति हटा दीजिए तो देखिए जो कर्मयोग होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी तो कुछ लोग होते हैं जो कर्म करते हैं फल की प्राप्ति के लिए और खूब मेहनत करेंगे और जो फल आएगा बोलेंगे ये मेरा है ये तो मैंने किया है तो ये जब मैं वाली भावना आ जाती है तब वो जो कर्म है ना वो दूषित हो जाता है तो अगर अपने कर्म के फल को आप स्वयं भोगते हैं तो जब तक फायदा है तब तक तो ठीक है लेकिन जब नुकसान है तो भी नुकसान भी आपको ही होता है तो फायदा और नुकसान दोनों आपको होता है लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जब आप फल से आसक्ति हटा देते मतलब आपको कर्म करने से जो फल आए भगवान को समर्पित कर दो तो उससे आपको कभी लाभ और हानि के चक्कर से आप छूट जाएंगे लाभ होगा तो भी हानि होगी तो भी दोनों में आप समान स्थिति में ही रहेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि जो आप भक्ति करना चाहते हैं अपना कर्म करते हुए भक्ति कर कीजिए और फल से आशक्ति मत लगाइए फल जो है मुझे समर्पित कर दो तो अगर आपको इस भौतिक जीवन के जंजाल से छुटकारा पाना है तो कर्म योग करना है यहीं रहकर और एक ही तरीका है आपको भगवान के साथ प्रेम करना देखिए ये प्रेम होता है ना ये सबके अंदर होता है अगर ये प्रेम आप भगवान के साथ नहीं करेंगे तो ये प्रेम कहीं और लग जाएगा और उससे क्या होगा आपका जीवन जो है दूषित हो जाएगा इसलिए भगवान से प्रेम करिए हमारे शास्त्रों से प्रेम करिए गुरु की सेवा कीजिए गुरु की आज्ञा मानिए तो उससे क्या होगा आपका कर्म जो है धीरे धीरे शुद्ध होते जाएगा तो कर्म जब शुद्ध होता है ना तो कर्म योग कहलाता है मतलब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं तो कर्म योग मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म तो आप उस फल को भोगने की आशा नहीं रखते हैं तो जब आप वो कर्म को भोगने की आशा रखते हैं ना तभी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं तो भगवान की सेवा करते हुए जो कर्म करेंगे वो कर्म आपका शुद्ध हो जाएगा और आप सोचें कि जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएं और आपने कोई अभ्यास किया ही नहीं है कर्म करने का और तो आप जंगल जाएंगे तो वहां भी गिरने का चांस रहता है क्योंकि चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो या कोई भी वर्ण का हो सब के अंदर जो है अच्छे और बुरे गुण पाए जाते अगर उस अच्छे और बुरे गुण पे आपने अच्छी तरह समझ समझ नहीं ली है अच्छी तरह काम नहीं किया है तो भी आप अच्छे काम को बुरे तरीके से करेंगे तो बुरा हो जाएगा हा? और तो आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है जैसे है ना कि आपने बिना सीखे अगर कोई काम शुरू कर दिया तो क्या होगा उससे उससे क्या होगा कि आपकी गलती होने के चांस होते आप सीखो पूछो अपने बड़ों से पूछो हाँ भाई ये काम कैसे करना चाहिए धीरे धीरे उनके सामने गलतियां करो वो बताएंगे उसके बाद आप अकेले करो आप सोचो कि मैं सब छोड़ छाड़ के जाके संन्यास ले लेता हूं तो क्या होगा उससे आप स्त्रियों को देखेंगे उससे आप कोई कर्म करने वालों को देखेंगे तो आपके मन में जो है दोष आ जाएगा तो आपकी भावना जो है दूषित हो जाएगी तो वो भावना दूषित ना हो इसलिए इस भौतिक संसार में रहकर ही कर्म करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए गुरु की सेवा करो गुरु की आज्ञा मानो मंदिर जाइए वहां पर दान दक्षिणा कीजिए मंदिर में कुछ सेवा कीजिए तो उससे क्या होगा आपका कर्म जो है शुद्ध हो जाएगा जब कोई आप गलत काम करने लगेंगे तो आपको गुरु रोक लेगा बताएगा देखो ये गलत है ये सही है हालांकि जब हम गलत काम करने जाते हैं तो एक बार हमारे मन में भावना आती है कि नहीं ये गलत है ये नहीं करना चाहिए तो वो भगवान ही है जो हमें ये भावना पैदा करते हैं और हमें वो का गलत काम करने से मना करते हैं लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं हम इतने इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि हम सब कुछ इग्नोर करके गलत हो सही हो अपने फायदे के लिए काम कर तो, तो संख्या दो में भगवान ने यह बताया है जैसे कि रूप गोस्वामी ने भी संस के बारे में बताया है भक्ति रसामी सिंधु में प्रपंचिकया बोधया हरि संबंधी वस्तु न मुमोक्षी भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथयते तो अगर आपका सन्यास अपूर्ण है तो उसको फलगु वैराग्य कहते और अगर आपका सन्यास पूर्ण है तो वो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं तो फलगु वैराग्य मतलब क्या है आपने ठीक से अभ्यास नहीं किया है और सन्यास ले लिया है तो वहां पर आपके पतन होने का चांस ज्यादा है हा? और आपके अंदर जो है भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं और आपने सन्यास ले लिया ऐसे आजकल बहुत लोग घूम रहे हैं बाजार में जो दिखते हैं सन्यासी लेकिन उनके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई तो सन्यास किससे लिया आपने सन्यास घर परिवार से लिया सन्यास भौतिक संसार से लिया लेकिन भौतिकता तो अंदर भरी हुई है तो सन्यास थोड़ी हुआ इसलिए उसका कोई भी चीज का बराबर से अभ्यास करके तभी सन्यास लेना चाहिए और दूसरा होता है युक्त तो वैराग्य कि आपने हर चीज का अच्छे से अभ्यास कर लिया आपने ये समझ लिया कि इस दुनिया में इस संसार में इस भौतिक संसार में जितनी चीजें हैं वो सब भगवान की भगवान ने हमें भोगने के लिए दिया है तो हम भोगे लेकिन हम भगवान को याद करके करें भगवान को जैसा हम प्रसाद बन घर पे खाना बनाते हैं तो उसका भोग लगाइए भगवान को ऑफर कीजिए फिर उसके बाद अगर तो 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 भगवान ने तो एक बार आप थैंक यू नहीं बोल सकते तो अगर आपको कोई आपका दोस्त कोई उपहार देता है तो आप थैंक यू बोलते हैं धन्यवाद बोलते हैं और अगर धन्यवाद नहीं बोले तो उसको बुरा लगेगा हो सकता है आपके सामने ना बोले लेकिन मन में तो बुरा लगता ही तो ये भौतिकता है ये भौतिकता है तो जो हमको बुरा लगेगा कि आप भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हो तो भी बुरा नहीं लगता है लेकिन भगवान को बिना थैंक यू बोले अगर आपने उस खाने को ग्रहण कर लिया तो उसमें जो दोष है वो दोष रह जाता है और आपके अंदर प्रवेश करता है वो पता नहीं, वो किसने पैदा किया उसके मन में क्या भाव था जब वो बीज बोया गया जब वो अन्न खरीदा गया तो उसके मन में क्या था वो भाव भी वो बीज में भर गया दाने हर दाने में भाव भरा होता है हर दाने में भाव भरा होता है तो आप जब भगवान को वो खाना ऑफर करते हैं अर्पित करते हैं भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं उस दृष्टिपात से क्या होता है उस खाने में से दोष हट जाता है हट जाने से क्या होता है वो खाना जो है महाप्रसाद बन जाता है और उस महाप्रसाद को आप जब ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे है ना जैसे लोग बोलते हैं ना कि नॉनवेज खाने से क्या होता है खाना तो खाना है पेट में जा रहा है हाँ तो पेट जा रहा है तो क्या आपका पेट मुर्दा घर है क्या कि आप जो जो है आ, मरा कटा ये सब खाएंगे नॉन खाएंगे तो पेट इसके लिए नहीं है आप मुर्दा घर के जैसे नहीं है कि आप जो भी मिला खाते जाओ आप अच्छा खाना खाएंगे अच्छा प्रसाद खाएंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार भी आएंगे अच्छे गुण भी आएंगे तो ये है फलगु वैराग्य और युक्त वैराग्य जो हमने देखा श्लोक संख्या दो में। तो इसी चीज को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु में समझाया है अब हम देखेंगे श्लोक संख्या तीन गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना ही कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहु अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती भौतिक संसार से कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ मिलेगा और मुझे कुछ देना है जो मिल गया है उसमें खुश रहो भगवान को ऑफर करो और ग्रहण करो तो उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती तो जो सन्यासी होते हैं वो किसी से घृणा भी नहीं करते हैं वो किसी से घृणा क्यों नहीं करते हैं क्योंकि जो सन्यासी होता है जिसने सही सही भगवान को देखा है अनुभव किया है वह हर एक जीव के अंदर भगवान को देखता है कहते हैं जब इक्ट की भावना आती है ना तो अब हर जीव में हर कण-कण में हर ऑब्जेक्ट में हर एंटिटी में आप भगवान को देखते हैं और जो सन्यासी होता है उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं होती है वो जो है निस्वार्थ भागवतम का वितरण करता है भगवत गीता का वितरण करता है शास्त्रों का अध्ययन करता है और लोगों से चर्चा करता है तो जब आप लोगों से चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है और दो लोगों के मन में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है तो जो सन्यासी होता है वो जो है द्वंद भाव से मुक्त होता है द्वंदता उसके अंदर नहीं होती है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फायदा होगा मैं ऐसा करूंगा तो मुझे नुकसान होगा तो फायदा नुकसान से बहुत दूर होता है वो तो वो जो है पूरी तरह भगवान पे निर्भर होता है कर्म करो फल से आशा ना करो भगवान को अर्पित कर दो तो भगवान जो है आपका फल लेते नहीं है आपके फल को शुद्ध कर देते हैं जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि इस दुनिया में इस संसार में इस भौतिक जंजाल में जितनी सारी चीजें हैं सब भगवान की है भगवान ने हमें भोगने के लिए दिया है तो हम भोगे लेकिन भगवान को अर्पित करके भगवान को ऑफर करके भगवान को थैंक यू बोल के हे भगवान मैं ये प्रसाद मैं ये खाना खाने जा रहा हूं इसके अंदर से दोष निकाल दीजिए दोष निकाल देंगे तो क्या होगा मैं जो है वो फल को खाऊंगा तो मेरे अंदर कोई दोष प्रविष्ट नहीं करेगा और मैं निस्वार्थ भावना से सेवा कर सकूंगा इसलिए जो भक्त कृष्ण की सेवा कर रहा है वो असली सन्यासी है तो वो इस भौतिक जीवन में रहकर भी मुक्त है क्यों क्योंकि उसे जो है अच्छे बुरे का ज्ञान है हर जीव के अंदर भगवान को देखता है हुँ? खाना को भगवान को अर्पित करता है ऑफर करता है उसके बाद ग्रहण करता है और यह शिक्षा वो समाज में भी देता है तो, तो जब आप भग, भगवत प्रेम करते हैं तो आप क्या करते हैं आप इस भौतिक जंजाल में रहकर भी दिखेगा कि देखो वो भक्त है लेकिन कितना परेशानी झेल रहा है लेकिन वो परेशानी उसको टच नहीं करती तो उसकी सारी परेशानियां भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं तो जो लोग परफेक्ट नॉलेज में हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है तो उनको मालूम है कि ये आत्मा और परमात्मा का गुण एक ही है दोनों सनातन है लेकिन एक जो है अणु है दूसरा जो है विभु है तो आत्मा जो हर एक जीव के अंदर होती है वो परमात्मा से ही आई है परमात्मा का ही अंश है लेकिन आत्मा जो है हर एक शरीर के अंदर होता है और परमात्मा जो है हर एक जीव में वास करता है तो परमात्मा को हर एक जीव का ज्ञान होता है लेकिन जीवात्मा को खाली वही पर्टिकुलर शरीर का ज्ञान होता है तो इस तरह हम देखते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के अंदर एक ही गुण होता है तो जिसे जिसे इसका ज्ञान नहीं होता है कि अणु क्या है विभु क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है वो क्या सोचता है कि नहीं ये अणु कुछ नहीं है ये विभु कुछ नहीं है आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है खाओ पियो, मजा करो हुँ? इस संसार में जो चीजें मिली हैं सब भोगने से भोगने के लिए हा? सेक्स करो एंजॉय करो हा? ये भावना होती है तो ये जो है दुर्भावना है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है इस बात को नहीं समझते तो जब आप इस अंतर को समझने लगेंगे तो आप हर एक जीव के अंदर भगवान को देखने लगेंगे आपके अंदर करुणा भावना होगी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर करुणा भाव नहीं होता है दया भाव नहीं होता है हुँ? तो वो वही जिंदगी भर मारकाट ही करते हैं तो उनका है, नॉनवेज खाने के बाद भाव भी वैसे ही आता है तो उनका भौतिक जीवन भी वैसे ही रहता है भले हमें कि बहुत सुखी है जो है गाड़ी है बंगला है बहुत पैसा है नहीं कभी सुखी नहीं रहते सुख तो भगवान की सेवा में मिलता है जब आप इस बात को जान लेते हैं कि भगवान हर एक जीव के अंदर वास करते हैं तब आपको असली सुख मिलता है और जो भगवत भक्त होता है जो सन्यासी होता है जिसे दिव्य ज्ञान होता है वो हर प्रकार के द्वंद से दूर होता है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए काम करता है क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी संसार में है सब भगवान कृष्ण का है और भगवान ने हमें वो भोगने के लिए दिया है इसलिए वो भोगने से पहले हमें भगवान को अर्पित करके भोगना चाहिए तो वो भोगने के बाद हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं आएगा जब आप जब भगवान की सेवा करने लगते हैं ना भगवान आत्मा राम है तो जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो वो आत्मा राम के कुछ गुण आपके अंदर भी आ जाते हैं तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होती आपके अंदर किसी चीज से घृणा नहीं होती है कोई दुख नहीं होता आए जाए कुछ भी कर भाई आना जाना तो लगा रहेगा आपके दुख करने से कुछ होने वाला है जैसे भाई मृत शरीर पड़ा हुआ है घर वाले रो रहे क्या रोने से उसके अंदर प्राण आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है तो इन सब का ज्ञान जब आप भगवत प्रेम करेंगे गुरु की सेवा करेंगे भगवत गीता पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे बहुत सारे साहित्य प्रभु प्रभुपाद ने लिख दिए हैं अगर हम इन सब का अध्ययन करेंगे तो हमें जो है ज्ञान आएगा जब ज्ञान आएगा तो अपने आप शांति आ जाएगी जब आप हर जीव के अंदर भगवान को देखने लगेंगे ना अपने आप शांति आ जाएगी आपके अंदर करुणा भाव होगा तो भगवान का जो है डायरेक्ट सेवा करने में जो मजा है वो आंख बंद करके योगा करने में नहीं है तो आप जब भगवान की सेवा में डायरेक्ट जुड़े रहते हैं डायरेक्ट सेवा कैसी होती है मंदिर जाकर कोई सेवा करने से प्रसादम बांटने से दान दक्षिणा करने से वहाँ जाकर भागवतम क्लास अटेंड करने से गीता पढ़ने से भागवतम सुनने से गुरु सेवा करने से हाँ ये सब आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं तो आपका जो है मन उसी में लगा रहता है तो धीरे धीरे जब आप इस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आपका जो मन जो है वो चंचल नहीं स्थिर हो जाता है क्योंकि जो है बाय डिफॉल्ट मन जो है चंचल होता है और उस मन को चंचलता को रोकने के लिए उसे कहीं लगाना पड़ेगा मन तो चंचल वो कहीं भी कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा आप अगर उसके भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं भागवतम सुनने में नहीं लगा रहे हैं तो वो वैसे भी कहीं ना कहीं लगने वाला ही है इसलिए मैं आपको पहले ही उदाहरण दिया कि प्रेम हर एक के अंदर होता है क्योंकि ये प्रेम जो है भगवान के अंदर है भगवान के भगवान जो है इस प्रेम के सागर रूप है तब हम जब भगवान की अंश है तो वो प्रेम तो हमारे अंदर रहेगा ही ना तो अगर उस प्रेम को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो उस वो प्रेम जो है माया की सेवा में अपने आप लग जाएगा इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए भगवान की लीला सुननी चाहिए भगवान की लीला के बारे में चर्चा करना चाहिए डिस्कस करना चाहिए भागवतम सुनना चाहिए ये सब चीजें करने से धीरे धीरे आपका हृदय जो है शुद्ध होने लगता प्रभुपात कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र हैप्पी मतलब आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जब करिए और खुश तो जब आप हरे कृष्णा महामंत्र अपने मुंह से बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप मुंह से जब बोलते हैं तो आपके कानों से भगवान आपके हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं आप जितनी बार हरे कृष्णा बोलते हैं भगवान आपकी जीवा पर खड़े होकर डांस करते हैं नृत्य करते हैं हा? तो भगवान जो है आपके कोई भी इंद्रिय से आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण तो हमें जो है भगवान की कथाएं सुननी चाहिए तो सुनना जो है ये बहुत बड़ा शस्त्र है पहला शस्त्र है अगर आप सुनना सीख लेंगे तो आपके अंदर बदलाव अपने आप शुरू हो जाएगा इसलिए हर हमको सुनना सीखना चाहिए ये है श्लोक संख्या दो जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो सच्चा सन्यासी होता है वो किसी से घृणा नहीं करता ना किसी प्रकार के फल की आशा करता है और हर प्रकार के द्वंद्व से दूर रहता है द्वंद्व क्या होता है लाभ हानि फायदा नुकसान सुख दुख आज है कल नहीं है ये सब द्वंद है जब आप भगवान की सेवा करते हैं ना तो आप ये द्वंद से तो अपने आप दूर हो जाते हैं खाली फायदा ही होता है उसमें नुकसान नहीं होता इसलिए जो है गोलोक वृंदावन धाम में जो भक्त जाते हैं वहां उन से भगवान की सेवा करते रहते हैं वहां खुशी ही खुशी है वहां कोई दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान अपने आप आपको आपके रक्षक बन जाते हैं। तो जो आपका है भगवान उसे संभाल कर रखते हैं और जो आपका दुख है भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं कि कोई भक्त जो है परेशानी में होता है हम बोलते देखो इतना बड़ा भक्त है तो भी भोगत रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसका प्रारब्ध दिख रहा है हमें लेकिन आपका प्रारंभ तो आना बाकी है उसका जो है वो भक्ति कर रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा उसे तकलीफ हो रहा है अगर वो भक्ति नहीं करता तो और बड़ा तकलीफ होता तो जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान आपको सहन शक्ति देते हैं शक्ति के स्रोत भगवान है भगवान आपको सहने की शक्ति देते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो थोड़ा सा उसके अंदर घमंड आज तक मैं बहुत बड़ा पहलवान आई ये ताकत आई कहां से ताकत के स्रोत तो भगवान है तो आपने उस ताकत के पीछे काम किया तो भगवान ने उस थोड़ी सी ताकत आपको इतनी सी ताकत आपको दे दी तो आप उसमें घमंड कर रहे तो भगवान ने दिया है भगवान की सेवा करो भगवान आरो आपको ताकत देंगे तो हमें हर चीज का श्रेय जो है भगवान को देना चाहिए हर लाभ जो है भगवान को समर्पित करना चाहिए हर दुख वो भी भगवान को समर्पित करना चाहिए तो जब आप हर अपना हर चीज या फिर अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपका सुख दुख सब भगवान का हो जाता है श्लोक संख्या तीन तो श्लोक संख्या तीन श्लोक संख्या चार देखेंगे श्लोक संख्या चार और पांच सांख्य योग प्रवदन्ति न पंडिता एकम् अपि आस्थिता सम्यग् उभयोरविन्दते फलम् अज्ञाने ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल अपने आप प्राप्त कर लेता है आ? भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो सांख्य योग है और एक जो कर्म योग है दोनों एक ही दोनों का उद्देश्य एक ही तो सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक ही है क्यों कि दोनों आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं दोनों का कंक्लूजन एक ही है तो सांख्य योग क्या होता है ये हम जो है सांख्य योग क्या है शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तो मायावादी जो होते हैं वो सांख्य योग को फॉलो करते हैं अगर लेकिन उसका भी उद्देश्य जो भगवत प्राक्ति, प्राक्ति है भगवत प्राप्ति विष्णु प्राप्ति है तो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है तो और इसमें जो अब ये सांख्य योग और कर्म योग एक कैसे हैं? तो कर्मयोग जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है आत्मा का उद्देश्य परमात्मा की सेवा करना है आत्मा जो और परमात्मा के अंदर जो गुण है वो एक ही है दोनों सनातन है हा? तो ये कर्म योग जो होता है ये होता है भक्ति योग कहा जाता है तो कर्म जो है आप भौतिक संसार में जो कर्म करते हैं वो कर्म कांड कहा जाता है लेकिन जब उस कर्म को आप भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है योग बोलते ना योग जोड़ना तो आप अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ देंगे तो कर्म योग बन जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है आ, आ, फिर श्लोक संख्या पांच में हम देखते हैं कि भगवान की सेवा करना विष्णु की प्राप्ति यह हमारा जो है उद्देश्य और आत्म साक्षात की तरफ आगे बढ़ना आप भगवान की सेवा करेंगे तो आप आत्म साक्षात की तरफ साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे आगे तो जब सांख्य योग कहता है कि ये जो ये जो लोग हैं ये भौतिक संसार में जो जीव हैं ये जो है भगवान के अंश नहीं है तो ये जो है गलत है लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो आपको इस इसका ज्ञान होता है कि हम जो है भगवान के ही अंश है तो इस तरह हम देखते हैं कि एक जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन से विष्णु प्राप्ति की ओर बढ़ता है और एक जो है भक्ति करता हुआ कर्म फलों से आसक्ति न रखते हुए कर्म करते हुए भगवान की सेवा करते हुए विष्णु की प्राप्ति का की तरफ बढ़ता है तो जो सांख्य योग है उसमें जड़ को पाने के लिए जो है लोग प्रयास करते हैं और ये कर्म योग जो है उस जड़ को पानी देने का काम करते है मतलब दोनों इसमें भगवान से जुड़ने का ही उद्देश्य है लेकिन एक जो है जड़ की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है सांख्य योग और दूसरा जो है जड़ को सींचने की तरफ सींचने का प्रयास कर रहा है तो जड़ को जब सींचेंगे तो उसके टहनियों और पत्तियों में पानी अपने आप पहुंच जाएगा। सबका नरिशमेंट एकदम अच्छे से होगा। तो सांघ योग जो कहते हैं उसको आ, शुष्क योग बोलते हैं शुष्क अध्ययन बोलते हैं लेकिन जहां पर हम पानी से सींचते हैं कर्म योग को उसको बोलते हैं एकदम आप भक्ति योग में लगे हो जब वहां आपका ध्यान भटकने का कोई चांस नहीं रहता लेकिन जब आप शुष्क योग करते हैं तो वहां आपका भटकने का चांस ज्यादा रहता तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो है दोनों सांख्य योग और कर्म योग का उद्देश्य एक ही है लेकिन एक सांख्य योग जो है जड़ की प्राप्ति की ओर का अध्ययन करता है और कर्मयोग जो है उस जड़ को सींचने का का काम करता है तो दोनों उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है लेकिन कर्मयोग है क्योंकि इसमें पतन होने का चांस ना के बराबर होता है उसमें पतन भी होगा तो आपको गुरु आपका पकड़ लेगा आपको सही निर्देश देकर सही टाइम पर वहां से उठा के आपको जो है सदगति की ओर आ, शिक्षा देगा लेकिन जब आप शुष्क चिंतन करते हैं तो वहां पर आपका पतन होने का चांस ज्यादा रहता है यह है श्लोक संख्या चार और पांच तो हम देखते हैं कि जो है अब ये सांख्य योग ज्ञान योग के अंदर आता है तो अब इसको हम और थोड़ा आ, आ, डिटेल में देखेंगे कि आ, इस सांख्य योग को कैसे समझाया गया है तो भगवान परमात्मा और ब्रह्म ये तीन जो है स्तर हैं भगवान का दर्शन करने का भगवान को रियलाइज करने का तो जैसे हम देखते हैं कि सूरज जो है यह है सूरज की रोशनी देखते हैं तो सूरज की रोशनी की तुलना जो है वो ब्रह्मांड से की गई है और जब हमें सूरज का वो जो डिस्क है गोल गोल वो दिखाई देने लगता है तो वो परमात्मा का रूप है और हम जब देखते हैं कि सूरज की किरणें उस डिस्क से निकल रही हैं तो हम समझ लो हम भगवान का साक्षात्कार करने के करीब पहुंच गए तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है भगवान यहां अर्जुन को समझा रहे हैं तो जो लोग जो लोग जो है आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं और भगवान की सेवा डायरेक्ट कर रहे हैं वो जो है उनका जो कर्म है वो कर्मयोग कहा जाएगा भक्ति योग के अंदर आता है तो वो हमेशा अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं वो हमेशा अच्छा काम करेंगे और मंदिर जाएंगे भागवतम सुनेंगे भगवतम को चर्चा करेंगे गुरु की आज्ञा का बानेंगे उनकी सेवा करेंगे हाँ मंदिर में भक्तों की सेवा करेंगे इस तरह से आप देखेंगे कि वो हमेशा जो है आ, डिवोशनल सर्विस भक्ति योग में लगे रहते तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म योग है वो ज्यादा बेहतर है और सांख्य योग जो है एक तरह से शुष्क चिंतन के अंदर आता है और ये जो हमारा आत्मा है ना ये जो है बाय डिफॉल्ट एकदम एक्टिव होता है तो इस आत्मा को इस मन को मन हमारा चंचल होता है तो हमें मन को लगाना होता है क्योंकि मन अगर मन को हम अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वैसे भी वो कहीं कहीं ना कहीं लग जाने वाला है तो अगर आप भगवान की सेवा में मन को लगाएंगे तो अच्छी बात है नहीं तो मन जो है वो इंद्रियों की सेवा में लग जाएगा और एक बार वो मंदिरों की सेवा में लग गया तो वो जो है वो जो है उसी की सेवा में लगा रहेगा और इग्नोरेंस की भावना आ जाएगी वो तो किसी का सुनेगा नहीं तो वो भटक जाता है तो फिर क्या होता है भौतिक जीवन में वो उसका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा उस तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए हमें जो है कर्म योग करने का प्रयास करना है तो कर्म योग जो है वो बेहतर है और सांख्य योग जो है वो उतना अच्छा नहीं है उसमें पतन होने का चांस ज्यादा रहता है तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है श्लोक संख्या चार और पांच में भगवान ने सांख्य योग और भक्ति योग कर्म योग के बारे में बताया है कि और कर्म योग क्यों बेहतर है कर्म योग क्यों बेहतर है और सांख्य योग क्यों बेहतर नहीं तो कर्मयोग में डायरेक्ट जड़ को सींचा जाता है और सांख्य योग में जो है शुष्क चिंतन होता है जड़ की प्राप्ति की ओर अभ्यास किया जाता है तो जड़ की प्राप्ति हो जाती है लेकिन अगर उसका सिंचन नहीं करेंगे तो उसके पूरा पोका पूरा पेड़ पूरा वृक्ष जो है सूख जाएगा तो अभी जड़ को ढूंढना अच्छा है कि जड़ में पानी डालना अच्छा है ये हमें इसका हमें जो है ज्ञान होना चाहिए और क्या अच्छा है क्या बुरा है तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो है कर्मयोग ज्यादा बेहतर है सांख्य योग से हालांकि ज्ञान सांख्य योग ज्ञान योग के अंदर आता है जहां हम तमाम प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके आप जो है भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं अभी जड़ कौन है जड़ भगवान है हम सबकी जड़ भगवान है इसलिए भगवान को यहाँ पर जड़ कहा भगवान जो है जड़ के हैं और तो सांख्य योग जो है जड़ के ढूंढने के पीछे भागता है लेकिन कर्म जो है कर्म योग वहाँ को क्या करता है जड़ को पानी डालता है जड़ को पानी डालता है सींचता है तो उसे क्या होता है उसके पूरा वृक्ष उसकी टहनियाँ पत्तियां सब हरी भरी हो जाती है इसलिए हमें कर्मयोग ज्यादा अच्छा है इसका ज्ञान होना चाहिए हम तो अपने यहाँ पर को विराम देंगे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं श्रीमद गीता की चय शिल प्रभुपाद की चय गौर प्रेमानंदे हरि बोल वांछा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु भे पतिता नाम पावने वैष्णवे नमो नमो नम। हरे कृष्ण